बेटे तुम क्यों कर रही हो? इतना से कह दिया होता वो कर देती। नहीं, हो गया बस। अच्छा छोड़ दोस्त, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। इधर आके बैठो। बैठ जाओ। क्या तुम्हारा शौहर तो तुम्हें बिल्कुल भूले बैठा हुआ? करीब महीना हो गया उसने तुमसे कोई रابطہ नहीं किया। चलो तुमसे बात नहीं करना चाहता था, मुझसे बात कर सकता था। कि वो खुद हिचकिचा रहा था बात करने में, तो उसके वालिद मुझसे रابطہ कर सकते थे, लेकिन नहीं, सब खामोश। जो आदमी तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम्हारी इज्जत अच्छा चलो तुम मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? अब वो मुझे नहीं पता। देखो अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं किसी वकील से बात करूं, खुला के सिलसिले में। बच्चा इस तरह रोने से या बात को अधूरा छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। अच्छा आरिफ अपने किए पे वाकई शर्मिंदा है, बिल्कुल बदल चुका है। उसने तो तुम्हारे सामने अपनी मरती हुई मां से वादा किया कि बाबू प्लीज, आप फराज के मामले को जैसे खत्म करना चाहते हैं करते, लेकिन आरिफ कभी नहीं। मैं आरिफ से शादी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी अब्बू, आपको इनकार करना, तकलीफ पहुंचाना मेरे लिए खुद बहुत तकलीफ देह होता है, इसलिए